हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हो आप? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रिया की किचन ब्लॉग में, एक नए ब्लॉग के साथ मथुरा से। अभी बज रहे हैं शाम के 5 बजे से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आज हम जा रहे हैं दोस्तों गोवर्धन की परिक्रमा लगाने के लिए, तो मैंने सोचा कि आपको भी दिखाया जाए कैसे गोवर्धन की परिक्रमा लगाते हैं और गिरिराज महाराज जी के भी दर्शन करा लिया जाए। तो अभी हम रास्ते में हैं। गोवर्धन हमारे घर से लगभग 22 किलोमीटर दूर है, तो हम अभी जा रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों हम पहुँच गए हैं गोवर्धन। हमने अपनी बाइक पार्किंग में लगा ली है और यहाँ पर हमने माथा टेक के अपनी परिक्रमा शुरू कर ली है। पहले हम मंदिर में जाएंगे, वहाँ पूजा पाठ करेंगे, उसके बाद हम अपनी आगे की परिक्रमा शुरू करेंगे। पूजा पाठ के लिए मम्मी ने घर से ही सामान रखा हुआ है, जो जो यहाँ पर चढ़ता है, दूध, दीपक, धूप वगैरह। तो यहाँ पर हम आ गए मंदिर में। ये है प्रवेश द्वार, ये है मंदिर गिरिराज जी महाराज का। बहुत ही ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर, देख सकते हो आप, शाम के 6 बजे भी कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। तो अभी हम जा रहे हैं मंदिर के अंदर। वैसे तो यहाँ कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, लेकिन हम फिर भी ले जा रहे हैं। आपको भी गिरिराज महाराज जी के दर्शन कराएंगे। और यहाँ पर हम आ गए हैं अंदर। चलो चलते हैं, आपको भी गिरिराज जी महाराज जी के दर्शन कराते हैं। आप भी कर लो गिरिराज जी महाराज जी के दर्शन। बहुत ज़्यादा भीड़ है, धक्का मुक्की हो रही है यहाँ पर, और पंडित जी भी कह रहे हैं कैमरा बंद करो अपना। और यहाँ पर हमने दूध चढ़ा दिया है गिरिराज जी महाराज जी को, और यहाँ पर मैं जला रही हूँ दीपक और धूप। हवा चल रही है यहाँ पर, अंदर जलाना अलाउड नहीं है, बाहर से ही रख जाते हैं सब लोग दीपक जला के। तो यहाँ पर मैं दीपक जला रही हूँ। यहाँ पर पूजा पाठ करने के बाद हमने मंदिर की परिक्रमा लगा ली है, और यहाँ पर पंडित जी कह रहे हैं कैमरा बंद करो। पूजा पाठ करके हम आ गए हैं बाहर, और यहाँ से हमने परिक्रमा शुरू कर ली है अपनी। बहुत ही ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। कुछ लोग दिन में भी लगाते हैं, रात में भी लगाते हैं, लेकिन दिन में धूप लगती है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसलिए रात में ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ पर। बहुत ही दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, विदेश से भी लोग आके यहाँ पर परिक्रमा लगाते हैं। और आज हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है गोवर्धन की परिक्रमा लगाने का। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और यहाँ पर जलेबी का भंडारा लगा हुआ है सभी भक्तगणों के लिए, और जगह जगह ऐसी भंडारा मिलते रहेंगे हमें रास्ते में। और यहाँ पर पानी भी पिलाया जा रहा है सभी भक्तों को। तो दोस्तों आप भी देखिए और इन्जॉय करिए। Thank you.
यहाँ पर दोस्तों भंडारा ग्रहण करने के बाद हम बढ़ गए अपनी परिक्रमा में आगे, और अभी बच गए रात के 10, शायद 6-7 किलोमीटर की परिक्रमा हमारी और रह गई है। अभी मुझे आइडिया नहीं है इतना, आज मैं पहली बार परिक्रमा दे रही हूँ। और यहाँ पर हमें रास्ते में खाटू श्याम जी के भी दर्शन हो गए थे, तो यहाँ भी हमने भेंट घाट चढ़ा ली है, तो पूजा वूजा करके यहाँ से भी हम आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर हमारे आ गए हैं पतिदेव कैमरा के सामने, सब लोगों को हाय बोल रहे हैं, ये आते नहीं हैं, आज पहली बार आ गए हैं। दोस्तों ये वही गोवर्धन पर्वत है जिसको भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठा के सारी जनता की रक्षा करी थी, उसी की हम परिक्रमा लगा रहे हैं। 21 किलोमीटर की ये परिक्रमा होती है, इसको यहाँ पर ब्रज में 7 कोस की परिक्रमा भी बोला जाता है। तो अभी हम आ गए हैं राधा कुंड पर, बहुत ही बड़ा कुंड है ये राधा रानी का। अभी अंधेरा हो रहा है तो साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है, और यहाँ पर सभी भक्त पूजा पाठ कर रहे हैं। अभी रात बजे हुए हैं रात के 12, तो यहाँ पर पूजा पाठ करने के बाद हम बढ़ गए आगे अपनी परिक्रमा में। और यहाँ पर देख सकते हो किस तरीके से दुकान सजी हुई है, लाइटें वाइटें जली हुई है अभी रात के 12 बजे भी, और पैरों में हल्की हल्की दर्द भी होने लग गई है, लेकिन अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है गोवर्धन की परिक्रमा लगाने में। तो चलो चलते हैं, अब 3 किलोमीटर की और रह गई हमारी परिक्रमा, ज़्यादा नहीं है अब। और अभी यहाँ पर आ गए दोस्तों हम मानसी गंगा पे, और यहाँ पर सभी लोग स्नान करके पूजा पाठ करेंगे। और अब हमारी परिक्रमा रह गई है केवल 100 मीटर की, अब हमारी परिक्रमा समाप्त होने वाली है। तो यहाँ पर सब लोग, कुछ लोग नहा धो के, कुछ लोग हाथ मुँह धो के तो पूजा पाठ करते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बाहर से ही दिखा रही हूँ, अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है। बहुत ही अच्छी तरीके से सजाया गया है यहाँ पर, बहुत अच्छी व्यवस्था करी गई है नहाने की भी। तो चलो चलते हैं, यहाँ पूजा पाठ करने के बाद परिक्रमा हमारी समाप्त होने वाली है, उसके बाद जाएंगे हम घर। अभी बजने वाले हैं रात के 2। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।